हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। एज वी प्रॉमिस्ड, हम कैलेंडर के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर है। वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे पिछले टॉपिक से। आज हम साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में सीखा है और जो बात सीखने जा रहे हैं, तो क्या हम चीजों को क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैलेंडर, और इन्हें कंटिन्यू ही करना है अपने पीछे से। सो पिछले वीडियो से लिंक करते हुए एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे 5, 200 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे 3, 300 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज हमारे होते हैं 1, एंड 400 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे 0। मैंने आपको बताया था कि हम 5310 इस वैल्यू को एक ट्रिक के रूप में यूज करेंगे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि हमारे एक्स्ट्रा डेज डे मींस वार को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे, और एक्स्ट्रा डेज जो है हमारे मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ओके, एक और इंफॉर्मेशन जो बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत ही यूजफुल है, दैट वाज अबाउट लीप ईयर। लीप ईयर हमने पढ़ा था, लीप ईयर हमारे दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीप ईयर, जिसको हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके और 400 से डिवाइड करके। पहला लीप ईयर और सेकंड वन वाज सेंचुरी लीप ईयर। दिस वाज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द लास्ट वीडियो। जो मेन मेहनत हमने की थी, जो डिस्कशन था वो इसी के ऊपर था फर्स्ट वीडियो में, कि हम किस तरीके से एक्स्ट्रा डेज को डिटरमाइन करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, लीप ईयर दोनों तरह के क्या होते हैं, कैसे लीप ईयर की हम जांच करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन बचता है, गिवन डेट से डे निकालना। गिवन डेट आपके पास है और उसको देखिए, आपको कोई डे डिसाइड करना है, डे मींस वार। ये कैसे? फॉर एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करो किसी का बर्थडे ले लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया 14 नवंबर 1889, कोई भी डेट हम ले सकते हैं। आपसे पूछता है कि इस डेट को क्या वार था, डे बताइए, इस डेट को क्या डे होगा या क्या डे था, और भी कुछ हो सकता है आपका 23 जनवरी 1975, इस दिन आपका क्या डे था। कोई भी आपको डेट दे सकते हैं, पास्ट टाइम की डेट आपके पास हो सकती है, कोई फ्यूचर की डेट आपके पास हो सकती है, और आपको उससे डे को डिटरमाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। तो आज फिर इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूं इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारा का सारा जो गेम है कैलेंडर टॉपिक का, वो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा डेज पे और कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। देखिए कैसे, अभी हम सॉल्व करें 23 जनवरी इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसके बाद इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। हमें डिटरमाइन करना है 23 जनवरी 1975 को क्या डे था। सो इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करने से पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे को फर्स्ट एडी से लेके जब से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, टू फर्स्ट एडी टू
23 जनवरी 1975 इस पीरियड में टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? टोटल एक्स्ट्रा डेज, अब वैसे तो हमारे पास वो कैलेंडर भी इतना पुराना होगा नहीं, तो हम कैसे पता करें? ऐसी कोई मेमोरी भी हमारी इतनी शार्प नहीं है कि इतने पुराने कैलेंडर की डेट हमारे को याद रह जाए। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि हमारे को अगर एक्स्ट्रा डेज का पता चल जाए तो हम बिल्कुल इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज की पहली जो एक्सरसाइज है हम यही देखते हैं कि एक्स्ट्रा डेज कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा ये शहर जरूरी है। कैसे? मीन्स हमारे को लास्ट जो सन दिया है That is 1975. और हमने जो टेबल कैलकुलेशन के लिए बनाई है उसमें कोई भी इनकम्प्लीट ईयर तो है नहीं, या तो टोटल 100 ईयर्स है, या 200 है, 300 है, 400 है, या 400 का मल्टीप्लाई आएगा 800, 1200, या इनके मल्टीप्लाई आएंगे सेंचुरी के हिसाब से। सो हमारे को पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ईयर्स लेके चलने पड़ेंगे। कंप्लीट ईयर्स कितने हैं? कंप्लीट ईयर्स जिसको हम पूर्ण वर्ष बोलते हैं, पूर्ण वर्ष, कंप्लीट ईयर्स यानी कि इसमें से जो प्रेजेंट ईयर जो 1975 का ये जो जनवरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है हम उसको कभी काउंट नहीं करेंगे। तो 1975 में से एक कम करके हम 1974 इन ईयर्स के एक्स्ट्रा डेज काउंट करेंगे, और उसके बाद जनवरी का जो मंथ है उसके एक्स्ट्रा डेज काउंट करेंगे। जितने भी महीने हमारे को एक्स्ट्रा दिए होंगे उनके हम एक्स्ट्रा डेज काउंट एक्स्ट्रा से करके जोड़ लेंगे। ओके, देखते हैं। तो हमारे पास टोटल ईयर्स कितने रहते हैं? टोटल ईयर्स हमारे पास रहते हैं 1974। अब 1974 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? अब हमें 100 ईयर्स के पता है, 200 के, 300 के, 400 के पता है, तो यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 into 1600 के हमारे को पता चल जाएंगे, फिर इसमें से अलग 300 ईयर्स के भी पता चल जाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे? और टाइम भी सेव करना हमारे को। देखिए पहले पर बेसिक समझते हैं, टाइम एंड स्पीड के बारे में बाद में बात करेंगे, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। देखिए हमने 1974 को मैं ऐसे स्प्लिट करके लिखता हूं, 1600 ईयर्स प्लस 300 years plus 74 years. अब ये सबमिट क्यों किया? क्योंकि हम डायरेक्ट 1974 years के एक्स्ट्रा डेज तो सीधे कैलकुलेट कर नहीं सकते, यहाँ पर इजीली से कैलकुलेट हो सकते हैं। देखिए इजीली बिल्कुल। अब हमें पता है 1600 years is a multiple of 400. So जो 400 का मल्टीपल है उसमें भी एक्स्ट्रा डेज जीरो हो जाएंगे, 1600 years के एक्स्ट्रा डेज जीरो हो गए। और 300 ईयर्स के एक्स्ट्रा डेज हमारे पास 1 होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा डे 1 हो गया। और 74 ईयर्स में अब हमारे 74 ईयर्स हैं, इसमें तो हमने देखा था कि अभी तो ये 100 से कम है, तो इसमें से हमें लीप के और कॉमन ईयर्स भी अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो 74 ईयर्स में सिंपल सी बात है, 74 ईयर्स तो कॉमन ईयर होने के बाद का एक्स्ट्रा डेज है। अब सपोज मान लेते हैं कि 74 ईयर्स टोटल के टोटल ऑल 74 ईयर्स आर नॉर्मल ईयर्स, तो इनके अंदर 74 तो हमारे होने ही होने हैं एक्स्ट्रा डेज। बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 74 ईयर्स के अंदर हमारे लीप ईयर्स भी हैं, लीप ईयर्स भी हैं। तो लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं? अगर सेंचुरी से कम कोई वैल्यू गिवन है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। So, ये 74 जो वैल्यू है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 18 72। अब ऐसे करते हैं, आपको पूरा करके दिखाता हूं। 74 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 4 3 4 8 32 2 रिमाइंडर। जब ये 2 साल बच के इनके यूज निकालेंगे, क्योंकि जब तक 4 इयर्स का हमारे पास टाइम पूरा नहीं होता हम आगे वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं। तो 74 ईयर्स में हमारे पास 18 लीप ईयर भी आ गए। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं पूरी तरह से पकड़ देंगे। हमारे को टोटल 1900
174 years given है, हम direct इसकी value extra days की नहीं find कर पा रहे हैं, तो हमने इसको separate किया, 1600 years extra लिख दिए, separate करके 300 years है, अलग से लिख दिया और 74 years अलग से लिख दिया। अब 1600 years में extra days zero, क्योंकि 400 का multiple है, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0, ऐसे ही। अब देखिए 300 में 300 हमारी टेबल है, 300 इयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो हमने वहां से वैल्यू पुट की। फिर हमने देखा हमारे पास 74 इयर्स और बचते हैं, और 74 इयर्स के लिए हमारे पास कोई टेबल भी नहीं है कि हम वहां से वो वैल्यू पुट कर दें, इन दो में तो हमारे टेबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान यहीं पर देना है, अब हमें पता है 74 इयर्स, अगर मैंने बताया है अगर सेंचुरी से लूज इयर्स आ जाते हैं तो 74 इयर्स जो है इनमें से 18 इयर्स लीप के इयर्स भी है और 74 इयर्स टोटल है, तो मैंने 74 की वैल्यू एज इट इज पुट की एक्स्ट्रा डेज में, क्यों, क्योंकि हर नॉर्मल ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हमारे पास टोटल 74 इयर्स है, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होते हुए सभी एक एक दिन काउंट करेंगे तो 74 एक्स्ट्रा डेज तो नॉर्मल ईयर्स के हो गए, बट सभी के सभी 74 में से नॉर्मल ईयर तो है नहीं, तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो हमें ये भी पता चल गया कि 18 इयर्स इसमें लीप के इयर्स भी हैं, तो अगर हमारे 18 इयर्स लीप के इयर्स हैं और हमने सभी को यहां पे नॉर्मल ईयर के रूप में वैल्यू पुट की है, तो हमारे को हमारा डिफरेंस 18 इयर्स का बचता है, तो हमने 18 इयर्स लीप वाले जोड़ देते हैं, क्योंकि लीप ईयर के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। नाउ इट्स क्लियर, आराम से पहुंच गए वीडियो समझ में, फिर भी प्रॉब्लम है तो एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा हमारी समझ। अब हमारा 1974 इयर्स का टोटल एक्स्ट्रा डेज हमारे पास आ गए, तो अब हमें करना क्या है, अब हम लूज जो कंटिन्यू लूज ईयर दिया है 1975 का जो साल दिया है इसमें महीने लूज दिए हैं, तो उन महीनों के एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे जहां तक कि हमें डेट फाइंड करनी है, हमें तो सिर्फ 23 जनवरी तक की डेट फाइंड करनी है, तो जनवरी में 23 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होते, 23 जनवरी तक की हमें डेट बतानी है, तो 23 जनवरी की हमने यहां पे लिख ली 23 दिन, ओके। तो हम ऐसे वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, लेकिन ये बड़ा, फिर हम क्या करते हैं इन सभी वैल्यूज को जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे हम 3 और 8 11 15 16 3 4 और 7 11 116। अगर आपको परेशानी है ऐड करने में तो एक बार चेक कर देते हैं, 23 + 18 = 74 + 5 + 8 = 16 + 9 = 116। लेकिन अभी प्रैक्टिस में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बड़ी स्पीड से सॉल्व करेंगे, तो इस वैल्यू को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये हमारे टोटल एक्स्ट्रा डेज आ गए, मींस 1 एडी से लेकर 23 जनवरी 1975 एडी तक हमारे 116 दिन एक्स्ट्रा है, और 116 है तो इसको हमने एक्स्ट्रा डेज को क्या करना है, एक्स्ट्रा डेज को हमें 7 से नीचे रखना है, तो 116 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 + 7 = 7 7 6 = 7 7 6 = 42 3 रिमाइंडर बचता है, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है मैंने आपको बताया वो रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा डेज होता है, ये जो रिमाइंडर होता है हमारे पास मींस 116 दिन की एक्स्ट्रा डेज के अंदर 16 वीक्स कंप्लीट हो गए और हमारा सॉरी 4 रिमाइंडर बचता है हमारे यहाँ पे 4, तो 4 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो ये 4 हमारे एक्स्ट्रा डेज बच गए, और मैंने आपको बताया था अगर हमारा एक्स्ट्रा डेज 0 बचता है तो दैट इज संडे, और हमारा एक्स्ट्रा डे रिमाइंडर में 1 बचता है तो दैट इज मंडे, और अगर हमारा एक्स्ट्रा डे 2 बचता है तो दैट इज ट्यूजडे, हमारा रिमाइंडर 3 है तो दैट इज वेडनेसडे, और हमारा एक्स्ट्रा डेज रिमाइंडर 4 है तो दैट इज थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे,
23 जनवरी 1975 को क्या डे था? थर्सडे था। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी आपको लगा होगा कि तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो 5-7-10 मिनट लग गई है, बिल्कुल आपको लग रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब आपको इसी क्वेश्चन को फिर से सोल्व करके दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड से हम थोड़ा टाइम बचाएंगे, आप देखना। बट हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। थर्सडे हमारा अभी आंसर आया है तो चेक करते हैं। अब बड़ा इजीली है, हम 1975 हमारे पास टोटल है, इसको एक साल घटा के लिखेंगे तो 1974 हो गया। जल्दी जल्दी से इसको सबमिट करेंगे, 16 + 300 + 74, इसमें 0 एक्स्ट्रा डेज, इसमें 174 को 74 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालेंगे। और जनवरी, जनवरी में 23 डेज है, 23 को फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं 23। अब हमारे को एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, इसको 7 से डिवाइड किए, 7 के 21 2 बच गया, 7 दूनी 14 4 बच गया, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, इसमें 70 निकाल दिया, 7 से डिवाइड करके 4 बच गया, 1 बच गया। हमारे पास ये टोटल एक्स्ट्रा डेज आ गए, इसमें से 4 6 7 एक वीक और गया, हमारा रिमाइंडर 4 4 इज थर्सडे। अब देखिए कितना टाइम लगता है अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बेसिक्स पता है, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम इजीली आराम से बता सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा हो गई हो तो डोंट वरी, आपको भी स्पीड ज्यादा ही करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्कूल लेवल पे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने डिटेल मेथड भी बता दिया आपका। और कंपटीशन लेवल पे हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो टाइम सेविंग ट्रिक से हमें सॉल्व करना होता है, तो ये हमारा ऐसे स्पीड बढ़ा के करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल एडवांस लेवल का वीडियो और बनाए, लेकिन वो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, 1.5 से 2 घंटे का उसमें टाइम लगेगा। तो हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि पार्ट थर्ड, जिसमें बिल्कुल ओवरऑल 0 से लेके लास्ट तक हर कंपटीशन क्लास के लिए भी उसमें क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे, वो बाद में करेंगे, आज पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। देखिए 1889 है, इसको सबमिट कीजिए, नवंबर का महीना एक साल कम कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे 1600 + 200 1800 + 88 89, क्योंकि 89th ईयर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी नवंबर तक ही पहुंचा है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, नवंबर महीनों के दिन एक्स्ट्रा अलग से लिखते हैं। तो 1600 ईयर्स में 0 200 के अंदर टेबल हमारी है, एक्स्ट्रा डेज 200 ईयर्स में इतने हैं, और 88 में 88 तो आएंगे, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 72, मींस 1888 ईयर्स जो है हमारे, इनका एक्स्ट्रा डेज का हिसाब किताब यहां तक हो चुका है। अब हमारे को देखना है ईयर 1889 जनवरी से लेकर 14 नवंबर तक, जनवरी में एक्स्ट्रा दिन 3 होते हैं, फरवरी में हमें हिसाब लगाना है, 89 ईयर जो है लीप का तो नहीं है, नॉर्मल है, फरवरी में 0, फरवरी के 0 छोड़ देते हैं, 0 लिख देते हैं, मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में हमारे 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, और नवंबर में 14 तक निकालना है, तो नवंबर के 14 और 14 में 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, तो आप चाहो तो 2 हफ्ते की बजाय 14 की जगह में 0 भी पुट कर सकते हो। लेकिन अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ये हमारे एक्स्ट्रा डेज आ गए हैं, इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 151 को 7 से डिवाइड किया, टोटल एक्स्ट्रा डे आते हैं 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 1 बचता है रिमाइंडर, 1 ऊपर से लिया, 7 + 7 फिर लेस किया, सॉरी 4 बचता है, फिर से हमारा आंसर थर्सडे आता है, थर्सडे।
कैलकुलेशन मस्ट भी करें, नहीं तो ये वैल्यू डिफर कर जाएगी और हमारा आंसर बिल्कुल अलग हो सकता है, तो हम थोड़ा ध्यान दें। इसको फिर से हम थोड़ा ट्राई करते हैं, स्पीड से ट्राई करते हैं। देखिए इसको हटा लेता हूँ एक बार फिर से, या नीचे ही देख लेते, सॉरी। चलिए 1600 में 0 एक्स्ट्रा डेज, 200 में 1, 200 में 3, 88 में 88 और लीप ईयर, और हमारा जनवरी फरवरी को छोड़ देते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की मैं 0 रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जहां पर वीक कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं यूज ही नहीं करूंगा। इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर दिया, 77 गया, 77 के बाद 84 गया तो 4 रह जाते हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे बन जाता है, इसमें से पेयर काट देते हैं, 4 3 7 का हफ्ता गया, 3 3 6 का वीक गया, और 3 2 5 2 7 का वीक गया, और हमारा बचता है 3 3 6, इसमें से एक घटा दिया 7 3 + 1 4, फिर से बचता है हमारा। मीन्स ये सभी क्या कुछ है हमारे को, या तो हमें इसको जोड़ लेना है टोटल और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, या यहीं पर हमारे को वैल्यूज को कैलकुलेट करके जो रिमाइंडर बचता है यहीं पर ले आएंगे, उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो हम एक वीडियो फिर से बनाने वाले हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में ट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे फास्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें बार बार, अपनी खुद की डेट लेके चेक कर सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखिए, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दो चार पॉइंट और याद कर लेते हैं। लेकिन वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है कि नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर कोई भी नॉर्मल ईयर हमारे पास हो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। मतलब अगर किसी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी आपका संडे ही आएगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर इज ऑलवेज सेम, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। फर्स्ट डे मींस 1 जनवरी एंड लास्ट डे मींस 31 दिसंबर, ये हमेशा ही सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये एक थ्योरम के तौर पर, एक प्रूफ के रूप में आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ओके, बात करें लीप ईयर की, ये देखिए लीप ईयर में क्या होगा हमारा, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप दिन में, तो फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे उसमें डिफरेंस हो जाएगा प्लस वन होता है। मींस अगर 1 जनवरी संडे है तो 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखें, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट की वीडियो की इंफॉर्मेशन और आज की इंफॉर्मेशन को मिला के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूं, ताकि हमारी दोनों वीडियो की जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो पहले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो हम इनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, लेकिन पहले आप फोकस करें। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके बनाइए, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। देखते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए एक और, इससे पहले मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे को एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी महीने में, सपोज करो किसी महीने की, सपोज करो 5 जनवरी को आपका संडे है
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया 28 जनवरी को कौन सा डे होगा। ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं आपका, आपको कह सकते हैं कि भैया 26 मार्च को आपका ट्यूजडे है, ट्यूजडे है, तो आपसे पूछेंगे भी 3 मार्च को क्या डे था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, तो आप देखिए इनको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिंगर्स पे काउंट करने लग जाते हैं। अब फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैंने आपको बताया कैलेंडर के अंदर कुछ भी नहीं करना है, कैलेंडर के अंदर सारा का सारा खेल हमारा एक्स्ट्रा डेज के ऊपर होता है। तो हमें सिंपल सा आसानी से निकालना है, अब इनके बीच के डिफरेंस निकालिए, इनके बीच में कितने एक्स्ट्रा डे हैं, तो कैसे निकलेंगे, 28-5 कैलकुलेट कीजिए, 23 एक्स्ट्रा डेज है हमारे पास टोटल, इनके बीच का गैप 23 है, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेज हमारे बच जाएंगे, 2 मींस हमारी तारीख से 2 दिन आगे बढ़ेगी, तो प्लस 2 कर देंगे संडे के अंदर, प्लस 2 करेंगे संडे, प्लस 2 मंडे ट्यूजडे, तो दैट इज योर आंसर। ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप टाइम देखना, आप कैसे टाइम लगाते हैं, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, ऐसे कैलकुलेशन से बड़ा बेटर है। इनका डिफरेंस आप निकालें एक्स्ट्रा डेज का, उसको 7 से डिवाइड करें, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज हमारी 7 से ज्यादा नहीं होने, 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा डेज हमारे क्या है कैलकुलेट किए, उसको 7 से डिवाइड किया, और हमारी वैल्यू अगर 7 से कम ही है तो हम सीधे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे को आगे की डेट पूछी गई है, 5 जनवरी की डेट दी गई है और उससे आगे की डेट हमारे से पूछी गई है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये सिर्फ अपोजिट है थोड़ा। अब आपसे पूछता है कि बाद की डेट आपको गिवन है, 26 को मार्च की डेट डे आपको गिवन है, और उसे पहले वाले डेट की आपको दिन पूछता है, तो फिर से वही इनका डिफरेंस निकालिए, इनका डिफरेंस फिर से 23 आता है, 23 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 हमारे एक्स्ट्रा डे हैं, तो हम 2 दिन पीछे चले जाएंगे, -2 कर देंगे, तो ट्यूजडे में से 2 दिन माइनस करेंगे, फिर से वापस वही वैल्यू आती है आपकी, क्या आती है, संडे। तो एक ये भी ट्रिक है कि हम फिंगर्स पे डेज को काउंट ना करें, और ऐसा होता है हमारे साथ भी, हम सोचते हैं कि एक ही महीने की दोनों डेट्स गिवन है, तो हम आसानी से कोशिश करते हैं कि ऐसे काउंट करने लग जाते हैं। आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम के अंदर तो आप बिल्कुल श्योर होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव लिमिटेड टाइम, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए इस ट्रिक का यूज करना है और बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ओके, लेट्स सी कुछ और क्वेश्चंस हम साथ में लेके चलते हैं, तो देखते हैं क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं, कैसी हमारी अभी तक की तैयारी हुई है, और बिल्कुल फुल एंड फाइनल तैयारी जो जॉब के लिए हमें करनी है, हम एक नेक्स्ट वीडियो फिर ट्राई करेंगे टाइम निकलते ही। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन फर्स्ट, एक फर्स्ट जनवरी 99 वाज फ्राइडे, क्या कहता है, फर्स्ट जनवरी 1999 वाज फ्राइडे, ये क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ जनवरी 1999 फ्राइडे था, देन व्हाट डेट वाज ऑन द 31st दिसंबर 99, 31st दिसंबर 99 को आपका क्या डे था, आपको ये डिसाइड करना है भैया, काउंट करने लग जाइए फिंगर्स पे आराम से, 2-4-5 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा और एक नंबर मिल भी जाएगा हमारे को। ओके, बट मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 30 विद इन मिनट्स का मतलब भाई सेकंड्स में हमारे आंसर आते हैं। तो देखिए हमारे हमारे दिमाग पे ध्यान जोर लगाए, अगर हमें याद हो तो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। अगर आपको ये बात याद है तो आपका आंसर गिवन है, आपका आंसर इसी में गिवन है, ये लीजिए फ्राइडे आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, आपने पहले से तैयारी की है, आपने पढ़ाई की है, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो देखिए आप इसमें 5-7 मिनट लगाएंगे लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, बट देखिए टाइम कंज्यूम आप कितना करते हैं। ओके, तो देखिए
जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैप्टर से रिलेटेड थी उसी इन्फॉर्मेशन को एग्जामिनर ने यूज किया और उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन सेट कर दीजिए। तो हमारे को जो बेसिक्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है चैप्टर से रिलेटेड, हमारे को वो बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और तभी हमारे रिजल्ट बेटर आते हैं। ओके, सो पहले क्वेश्चन, फर्स्ट जनवरी 1999 फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर भी 99 में फ्राइडे ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है, हमारा रूल है कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर बिल्कुल सेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कैसा क्वेश्चन हमारा आया है एग्जाम में। इवन टीचर्स के लिए जो एसटेट सीटेट कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है और 12th लेवल के एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरीके के बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैंने वहीं से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फरवरी हैड 29 डेज, किस साल में फरवरी में 29 डेज थे? ऑप्शंस हैं आपके 1987 एंड 2005 एंड ईयर 1997 एंड ईयर 2016। ओके, कंफ्यूज होना नहीं है, क्वेश्चंस की सेंस समझने पर हमारे से पूछा गया है कि फरवरी 29 डेज की इनमें से कब थी। मींस अगर 29 डेज की फरवरी है तो इट वाज अ लीप ईयर, वेरी इजी। आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो आप आसानी से बता देंगे कौन सा लीप ईयर है, लेकिन क्वेश्चन की पूछने की सेंस देखी है, वो कहता है इनमें से किस साल में फरवरी 29 इयर्स की थी। थोड़ी सी जीके आपकी टेस्ट कराएगी, आपको पता है या नहीं पता है कि 29 इयर्स वाली फरवरी क्या वर्ष होता है, लीप ईयर होता है। बड़ा इजी है, हमें पता है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, हमें लीप ईयर चेक करना है, तो हम या तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे गिवन वैल्यू को ईयर की, या 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये, लेकिन इनमें कोई भी सेंचुरी ईयर है नहीं, तो सभी को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1987 4 से डिवाइड होता नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट से पता चल गया। 2005 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, 1997 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, 2016 में ये 16 ये भी हमारा 4 से डिवाइड होता है। सो दिस इज योर आंसर। बोलिए हमारे को इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, हमें जब अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरीके से याद है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए हमारे को तो यहाँ पे बस वैल्यू को देखना है और आंसर को टिक कर देना है। अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि भैया कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है। जैसे हमारा 2016 था, हम क्या करते हैं किसी भी नंबर को देख लेते हैं, सपोज करो 1996 है, 2018 है, 2712 है, 4000 है, 900 है या 9000 है, तो हमें डिविजिबिलिटी का 4 का रूल याद होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है ये वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 96 जो है हमारा 4 से डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 18 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 4 से डिवाइड पूरा नंबर नहीं होगा। 12 हमारा 4 से डिवाइड होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। या लास्ट में 2 जीरो होती हैं तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल आप ध्यान रखें। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन गिवन है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर इज मंडे, कोई नवंबर का महीना है, मींस फर्स्ट नवंबर हमारे को गिवन है, फर्स्ट नवंबर को कहता है मंडे है, फर्स्ट नवंबर को मंडे गिवन है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 3, और कहता है कि आप 25th नवंबर को बताइए क्या डे, क्या डे है 25th नवंबर को, क्या हमारा डे होने वाला है। अभी हमने डिस्कस किया था क्या है, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 24 को 7 से डिवाइड कीजिए, 21 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा, 3 दिन प्लस हो जाएंगे, तो मंडे में 3 दिन प्लस कीजिए, मंडे के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो हमारा आंसर आ जाता है थर्सडे। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए
अभी हमने ऐसे दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, फिर उसी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। कैसे किया? आगे की डेट पूछता है तो प्लस 3 किया हमने, फर्स्ट डेट और 25th डेट के बीच में गैप एक्स्ट्रा डेज का 24 डेज, लेकिन एक्स्ट्रा डेज को हमारे को बिलो 7 लेके आना है तो हमने उसको 7 से डिवाइड करके हमारे पास 3 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे फालतू बच जाते थे, 3 21 दिन का 3 हफ्ते निकल गया, तो 3 दिन इसमें ऐड किया हमने, हमारा आंसर आ गया। आप आराम से ध्यान से समझ लें इसको, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। वीडियो पॉज करते हैं, करें बार बार देखें, नोट्स बनाएं, हो जाएगा आपका भी आसानी से सोल्व। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में है नहीं अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया है तो। ओके, नाउ हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस आएंगे सोल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस ग्रो करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द 20th डे ऑफ एनी मंथ इज वेडनेसडे, ये लीजिए 28th किसी भी मंथ का वेडनेसडे है आपका, वेडनेसडे 28th को गिवन है वेडनेसडे। देन व्हाट डे ऑफ द 3rd ऑफ दैट मंथ, उसी महीने की 3 तारीख को क्या आपका दिन था, देख लीजिए फिर से इनका डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस आता है जी, 28 minus 3 is equal to 25, 25 को 7 से डिवाइड कीजिए साथ के 21, 4, 4 दिन का डिफरेंस है, बट अब की बार 4 माइनस होंगे क्योंकि हमारे से बड़ी डेट देंगे, पहले की डेट पूछी है तो वेडनेसडे में से 4 डिवाइड की तो माइनस कीजिए, ट्यूजडे मंडे संडे सैटरडे, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर सैटरडे। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करें कि मेरे से गलती ना हो जाए, वेडनेसडे से 4 डिवाइड जाएंगे, वेडनेसडे से पहले ट्यूजडे, उससे पहले मंडे, मंडे से पहले संडे और फोर्थ डे इज आपका सैटरडे, दिस इज योर आंसर, सैटरडे इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हिज नेम, क्वेश्चन नंबर 5, 15th अगस्त 1947, यस इंडिपेंडेंस डे हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त 1947 को क्या डे था, और हर इंडियन को ये तो याद होना ही चाहिए कि हमारे को आजादी किस दिन मिली थी, तो चलो ट्राई करते हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए। ओके, कंप्लीट इयर्स इसमें 1946 इयर्स हो गए, इसको सबमिट करते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और 1600 में 0, 300 में 1, 46 इज इक्वल टू 46, 4 से डिवाइड करेंगे 11। ओके, जनवरी के 3 दिन, फरवरी के 0 दिन, मार्च के 3 दिन, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के हमारे 15 तक निकालना है। अब इनको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन हम यहीं पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 46 प्लस 3 49, 7 का मल्टीपल वीक बन गए, 11 प्लस 3 ये भी वीक बन गए हमारे, 15 में से एक बचता 2 वीक गए, तो हमारा 3 और 3 6 7 दिन का फिर से वीक हमारा गया, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस 2 प्लस 2 मींस हमारे पास 5, मींस हमारे को 5th डे आपका बताना है, तो 5th डे फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट डे मंडे, सॉरी थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, फर्स्ट डे रिमाइंडर मंडे, सेकंड डे ट्यूजडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे एंड फिफ्थ डे इज फ्राइडे, फिफ्थ डे इज फ्राइडे, तो हमारे पास फिफ्थ डे क्या निकल के आता है, फ्राइडे निकल के आता है, तो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो फ्राइडे को आजाद हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डेट वाज ऑन 26 जनवरी 1950, यस 26 जनवरी 1950, यस ये
ये डेट हमारे को गिवन है और इसका हमारे को सॉल्यूशन बताना है, डे बताना है। तो वेरी पॉपुलर डेट आपको पता है, वेरी हिस्टोरिक डेट 26 जनवरी 1950 हमारा रिपब्लिक डे होता है। तो इसको ट्राई करते हैं। कंप्लीट ईयर 1949 हो गया इसके अंदर, तो 1600 प्लस 300 प्लस 49 और जनवरी के साथ साथ में देता हूँ 26 यही एक ही महीना हमारे पास है। 0 300 में 1 49 का 49 प्लस ने इसमें से 12 निकल गए और ये जनवरी के 26 है। कैंसिल कीजिए, 7 हफ्ते पूरे के पूरे चले जाते हैं, 7 या 21 5 दिन बचते हैं और 7 में से 5 दिन इधर बचते हैं, 5 5 10 और 1 11 11 में से 7 से डिवाइड करके 11 को, तो साथ ही साथ फोर्थ डे दैट इज थर्सडे। दिस इज योर आंसर। आप सेकंड्स में आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। हमारे से गलती होने का चांस तो सिर्फ यही है कि हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए, अदरवाइज हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप वीडियो को आराम से पॉज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आई गारंटी इट कि आप आराम से सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th। आप अपनी बर्थ डेट भी चेक कर सकते हैं, अपने फैमिली किस मेंबर्स की किसी की बर्थ डेट ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यस, देखिए हमारे लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हम हमारे पास गिवन है 1995 ईयर, 1996 ईयर, 1997 ईयर एंड 1999 ईयर। देखिए ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता हमारे से कि हम 1993 के कैलेंडर को, हमारे पास एक कैलेंडर है 1993 का, पुराना कैलेंडर घर पे रखा हुआ है, अगर हम उस 1993 के कैलेंडर को दोबारा से रीयूज करना चाहे या अगेन यूज करें उसको, हम अगेन यूज, हमारे पास एक ओल्ड कैलेंडर गिवन है, हमारे पास 1993 का कैलेंडर है और कहता है कि अगर हम उस कैलेंडर को दोबारा यूज करना चाहे तो कौन से ईयर में हम उस कैलेंडर को दोबारा से यूज कर पाएंगे। अब इसमें तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या बात है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर क्या हमें ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि पहले तो देखो कि हमारा ईयर कौन सा है। अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो आंसर भी हमारा नॉर्मल ईयर में ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर की ईयर को हम कैलेंडर ईयर्स में तो यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे यहाँ लीप ईयर है तो हमारा आंसर लीप ईयर आएगा। तो हमारे को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 1 2 3 नॉर्मल ईयर भी दे दिए, तो पहली बात ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, ये भी श्योर हो जाए क्योंकि ये लीप ईयर है और हमारे पास कैलेंडर जो है वो 1993 नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया है क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका, वो है एक्स्ट्रा डेज। यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर एक्स्ट्रा डेज में डिफरेंस आ जाता है तो हमारी डेट या डे आगे बढ़ जाता है, अगर एक्स्ट्रा डे वीक के कॉन्टेक्स्ट में चेंज होते हैं तो हमारा कैलेंडर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, डे भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे। तो सपोज करो मान लेते हैं कि 1993 का पहला दिन, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज करो मंडे ही था, फर्स्ट जनवरी को, जनवरी 1993 में मंडे हमारा गिवन था, तो जो साल जो ईयर नेक्स्ट फर्स्ट जनवरी को मंडे दिखाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट करेंगे और कैसे। 1993 के बाद हमारा 1994 आता है, इसमें एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 1, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। आफ्टर दैट 1995 आएगा, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1।
फिर 1996 आता है, लीप ईयर है, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 2। फिर 1997 है, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 1। फिर 1998 है, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 1। फिर 1999 गिवन है, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 1। अब देखिए 1 2 4 5 6 7 7 एक वीक पूरा हुआ हमारा, जहां पर वीक पूरा हो जाएगा उसके बाद वही डेट फिर से रिपीट होने लग जाएगी, तो हमारा 1999 का कैलेंडर जो है हम कह सकते हैं कि दोबारा से हम फिर से यूज कर सकते हैं। और देखिए 1993 भी नॉर्मल ईयर है और 1999 भी हमारा नॉर्मल ईयर है। ओके, थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा और ध्यान से देखिए। एक दो क्वेश्चन और हमारे पास बचते हैं, देखिए सपोज करो 1 जनवरी 1993 को हमारा क्या है, हमारा है मंडे, क्या है मंडे, तो 31st को भी मंडे ही हो जाएगा 31st को। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 1994 को हमारा ट्यूजडे हो जाएगा और लास्ट दिसंबर में भी ट्यूजडे हो जाएगा, इसकी दिसंबर में ट्यूजडे आ जाएगा। फिर हमारा 1 जनवरी 1995 आता है तो वेडनेसडे पहला दिन हो जाएगा और लास्ट दिन भी वेडनेसडे ही हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है जनवरी 1996, पहला दिन हो जाएगा थर्सडे लेकिन लास्ट डे फ्राइडे हो जाएगा। यहां पर मैंने दो दिन एक्स्ट्रा काउंट किए थे, क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है। फिर देखिए हमारे पास आता है 1 जनवरी 1997, यहाँ पे फर्स्ट डे सैटरडे हो जाएगा और लास्ट डे फिर से सैटरडे। फिर हमारे पास आता है 1 जनवरी 1998, फर्स्ट डे हमारा संडे हो जाएगा और लास्ट डे फिर से संडे हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास 1 जनवरी 1999, फर्स्ट डे क्या निकल गया जाएगा? मंडे। और हमारे को यही चेक करना है कि फर्स्ट डे मंडे कब हमारा आएगा, तो देखिए 1 जनवरी 1999 को हमारा मंडे आता है, तो हम कह सकते हैं कि 1999 का कैलेंडर आफ्टर 1933 हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन था कि हम कैलेंडर को दोबारा से कब यूज कर सकते हैं, ये डिटेल स्टडी है, नहीं तो जहां पर एक वीक का सर्कल साइकिल पूरा हो जाए हम वहां पर उसको मान सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं, दो क्वेश्चन और हमारे पास बचते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 98 ईयर्स। यस क्वेश्चन, 98 ईयर्स हमारे पास गिवन है, 98 ईयर्स इनमें लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर्स काउंट करने हैं, सेंचुरी से कम है, 98 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर, ये आ गए हमारे लीप ईयर्स। अब कहोगे सर 100 ईयर्स में भी लीप ईयर हमारे 24 ही थे और 98 में भी, बिल्कुल, क्योंकि 96 ईयर्स में ही हमारे लीप ईयर 24 हो जाते हैं, उसके बाद 97 और 98 दो सालों में तो लीप ईयर बनता नहीं है, जब 4 साल का साइकिल पूरा हो जाएगा तब हमारा लीप ईयर बन सकता है, लेकिन वो 99 1 2 तीसरा साल आएगा और 100 चौथा साल आएगा, तो 4 साल का साइकिल हमारा पूरा हो गया, तो इसको हम लीप ईयर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेंचुरी आ गया तो फिर भी इसको हम नॉर्मल ईयर मान लेंगे, सेंचुरी ईयर आ गया। तो बड़ा ही क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन एक एग्जाम में तो मैंने भी टेस्ट दिया उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो बड़े इजी क्वेश्चन है ये, छोटे लेवल की क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग है तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है 1 जनवरी 2016 इज गिवन फ्राइडे, 1 जनवरी 2016 इज गिवन फ्राइडे एंड फाइंड द
31 दिसंबर 2016 की डेट आपको निकालनी है, 31 दिसंबर 2016 की। अब देखिए डेट निकालने से पहले, एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट देने से पहले, 2016 लीप ईयर है और लीप ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे प्लस वन का डिफरेंस है, तो योर आंसर इज सैटरडे। कुछ भी तो कैलकुलेशन नहीं करना है हमारे को। ये देखिए सैटरडे आपका आंसर आ गया। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं, इवन ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने अभी मैंने आपको जैसा बताया कि हम एक बिल्कुल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का 20-30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल होंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं, ऐसे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका एक वीडियो और लेके आएंगे। लेकिन तब तक ये पार्ट वन और पार्ट टू आप ध्यान से देखें, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, इनमें जो छोटी मोटी ट्रिक्स हमने यूज की है उन ट्रिक्स को डेवलप करें, स्किल के तौर पर उनको यूज करें और एक अपना बेस मजबूत बना के रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको मौका मिले क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आप टाइम बचाएं और ये ना हो कि आपको बार बार पेज को टर्न करके उन ट्रिक्स को देखना पड़े। सो ट्रिक्स को टिक पे रखने की कोशिश करें, टिक्स पे रखें। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको मजा आता है पढ़ने में, आपके चेहरे पे स्माइल लेके आता है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो आप पॉजिटिवली डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और आपको पता है गिविंग इज कॉल्ड चैरिटी, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो सबसे बड़ी चैरिटी है, और पढ़ाई से अच्छी हेल्प आप इस लॉकडाउन में किसी की नहीं कर सकते। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।